हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनामी दास। इन माय लास्ट सेशन आई डिस्कस टू ऑफ द मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड एंड इट्स मीनिंग, कैरेक्टराइस्टिक्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। टुडे आई डिस्कस अबाउट अनदर मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, दैट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। If anyone join the session for the first time, please subscribe the channel and also press the bell icon that you can get the future videos. So let's start the experimental method. First of all, you write the question, that is, what is experimental method? Question mark. Then, what are the main characteristics of experimental method? Or write about a short note on experimental method. So those two are the questions. So now discuss about the meaning of experimental method. So experimental method के क्या meaning हो सकते हैं, उसका characteristics क्या है, question लिखने के बाद ये answer है। Experimental method is an important method of educational psychology and it is scientific method of educational psychology. So experiment method क्या है, most important method है और यह क्या है, scientific है। means in this experimental method we do the experiment. Here the one experimenter is there and experimentee, मतलब इस experimental method में परीक्षण होता है, मीन्स एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक एक्सपेरिमेंटर होता है जो एक्सपेरिमेंट करता है और जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है उसको एक्सपेरिमेंटी बोलते हैं और बोल सकते हैं कि उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। और दिस एक्सपेरिमेंटल मेथड इज प्री प्लान्ड, सिस्टमेटिक एंड ऑल्सो वी कैन से दैट वी डिड और वी विल डू द एक्सपेरिमेंटल मैथड इन कंट्रोल कंडीशन। क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल मैथड प्री प्लैंडेड होता है, पहले से प्लान किया हुआ होता है और ये सिस्टमेटिक वे में जाता है। जैसे कि पहले कौन सा स्टेप आता है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या, सब सिस्टमेटिक वे में जाता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में हम लोगों ने खाना खा लिया उसके बाद खाना बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले खाना बनाना पड़ेगा उसके बाद ही खा सकते हैं। लाइक दैट ये प्लैंडेड होता है, मीन्स पहले से प्लान किया हुआ होता है और प्लान जब करेंगे तो वो सिस्टमेटिक ही होगा, एक के बाद एक ही आएगा। और हम ये बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड और एक्सपेरिमेंट हम कहाँ करते हैं, लेबोरेटरी में। अगर लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो क्या होता है, उसमें एक कंट्रोल कंडीशन होता है। एक रूम में किया जाता है, कंट्रोल कंडीशन होता है, मीन्स कंट्रोल कंडीशन का मतलब है कि वहाँ जो सब्जेक्ट होता है और जो एक्सपेरिमेंटर वो सब्जेक्ट को कंट्रोल कर रहा होता है और एक कंडीशन, एक सिचुएशन में काम किया जाता है। नेक्स्ट बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड ट्राई टू नो द बिहेवियर पैटर्न एंड द मेंटल एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। वो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर पैटर्न कैसा है, इन द डिफरेंट सिचुएशन में एक इंडिविजुअल का बिहेवियर पैटर्न कैसा है वो जानने में हेल्प करता है। और एक इंडिविजुअल का मेंटल एबिलिटी क्या क्या होगा, वो मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, कैसे सोच रहा होगा, देयर इंटेलिजेंस, देयर थिंकिंग कैपेसिटी, their emotion, all the things observed by the or experiment by the experimental method. Then third para is in experiment carefully planned properly and controlled observation of the subject behavior and hence result are reliable, means
in this experiment, what is doing, that is, that are carefully planned. Means carefully plan करना पड़ता है properly, जैसे कि क्या होगा, कैसे होगा, कितना subject लिया जाएगा, कितने लोगों पर experiment किया जाएगा, कैसे होगा, वो सब carefully plan करना होता है. और control condition में रखा जाता है, इसलिए कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है कि हम लोगों ने एक सैंपल लिया. और एक सैंपल मतलब अभी क्लास में 50 स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट में हम लोग 50 स्टूडेंट नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, रेंडमली लेंगे. मीन्स जैने हो सकता है कि 1, 5, 10 ऐसे स्टूडेंट लिया, मीन्स सबको नहीं लिया, उसमें से एक एक स्टूडेंट को लिया, 50 में से 10 स्टूडेंट को लिया, और उन 10 स्टूडेंट को कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल कंडीशन में रखा गया है एक लेबोरेटरी में, और लेबोरेटरी में कंट्रोल ऑब्जर्वेशन किया गया है, उसे ही बोलते हैं कंट्रोल ऑब्जर्वेशन. एंड क्या ऑब्जर्व किया जाता है, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर पैटर्न, उसका बिहेवियर कैसा है उसको देखा जाता है. एंड वो रिजल्ट जो आता है वो रिलायबल है कि नहीं, रिलायबल का मतलब क्या था, स्टेबल और कंसिस्टेंसी. मीन्स एक टेस्ट में अभी एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका रिजल्ट एक आया, उसके बाद और एक टेस्ट लिया, उसके रिजल्ट सेम, एग्जैक्टली सेम आया, या फिर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट सेम है, ऐसा हो सकता है, उसको रिलायबल बोला जाता है. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल मैथड. If I give the on definition in a simple word in those three paragraph, that is, experimental method is a scientific method which can planned by the experimenter carefully, and it can help to observe the behavior pattern and the mental abilities of an individual. That is called the experimental method. So I hope you understand the experimental method. So let's discuss the characteristics of experimental method. So इसका characteristics क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि meaning में भी दिया हुआ था, experimental method is a scientific study. वो क्या है, साइंटिफिक स्टडी है, मीन्स हम लोग इसको साइंटिफिकली स्टडी करती है. साइंटिफिक स्टडी में क्या होता है, साइंटिफिक में ट्रूथ होता है, स्टेबिलिटी होता है, मीन्स जो है वही है, उसमें ट्रूथ होता है. जैसे कि अगर हम लोगों ने अभी एक फॉर एग्जांपल एक चीज़ या फिर कोई भी हो सकता है प्रोडक्ट खरीदना हो, तो हम पहले क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, प्रूव करेंगे कि नहीं कि वो अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, उसको हम पहले देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो ठीक है कि नहीं, अगर ठीक है तो लेंगे, नहीं है तो हम नहीं लेंगे. दैट इज़ द साइंटिफिक, वेयर हैव द प्रूफ. सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स इज इन द एक्सपेरिमेंटल मैथड द कंडीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड. सो एक्सपेरिमेंटल मैथड में क्या होता है, कंट्रोल कंडीशन में एक्सपेरिमेंट किया जाता है. मीन्स लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो वो एक कंट्रोल कंडीशन होता है. थर्ड वन इज इट एसेंशियली रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 पर्सन, द एक्सपेरिमेंटर एंड द सब्जेक्ट. इन एक्सपेरिमेंटल मेथड में 2 पर्सन चाहिए होता है. कौन है, एक्सपेरिमेंटर, मीन्स जो एक्सपेरिमेंट करेगा, और एक्सपेरिमेंटी और सब्जेक्ट, जिसको एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, दो लोगों की इम्पोर्टेंस है. फोर्थ वन इज यूजुअली द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज अप्लाइड ऑन पर्संस इन ए रैंडम ऑर्डर. सो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, इंडिविजुअल पे और इंसान पे स्टडी किया जाता है और अप्लाई किया जाता है, कैसे, रैंडम
रैंडम ऑर्डर में, जैसे कि मैंने बोला था पहले ही मीनिंग में, जैसे 50 स्टूडेंट है तो उस 50 स्टूडेंट में से हम 50 स्टूडेंट को ही नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 50 स्टूडेंट को लेंगे उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, उसके बाद हम ऑब्ज़र्व करने में वो जो डेटा कलेक्ट होगा वो रिलायबल होगा कि नहीं उसमें भी टेंशन है, इसलिए रैंडमली कुछ स्टूडेंट को लेंगे 50 स्टूडेंट में से, जैसे कि 50 में से हमने 10 स्टूडेंट को लिया। अभी रैंडमली कैसे लेंगे, वन रोल, जैसे रोल नंबर वन, देन 10, देन 11, 20 ऐसे करके लेंगे, या फिर ऐसे ले सकते हैं 1, 5, 10 ऐसे करके भी 10 स्टूडेंट को ले सकते हैं। सो दैट इज द रैंडमली। लास्ट वन इज इन द एक्सपेरिमेंटल मेथड, इट हेल्प्स टू एक्सपेरिमेंट ऑन मेंटल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या करता है, ये एक इंडिविजुअल का मेंटल एबिलिटी मीन्स मानसिकता और बिहेवियर पैटर्न कैसा होगा, एक सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, उसको ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट किया जाता है। सो दोज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। सो थैंक यू एवरीवन, एंड we will meet again in the another session.